कैसे एक्सपेंस मैनेज होते हैं भैया, कैसे मैनेज करते हो, या फिर इतनी फीस है, इतने कैसे निकलेंगे, क्या निकलेगा, तो आराम से आपके फीस का पार्ट हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कैश जॉब्स के लिए जाना, मतलब आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी बन जाना है भाई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आशा करता हूँ सारे अच्छे होंगे। तो गाइज थैंक यू सो मच यार, सभी का सबसे पहले बहुत प्यार देने के लिए। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया यार इतने दिन से, मतलब अभी वीडियो नहीं आ रही थी तो आप लिटरली सब पूछ भी रहे थे भाई सब ठीक है क्या है क्या है। तो यार अभी क्या हुआ था, मैं बड़ा बिजी हो गया था और काम वाम, बीच में मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं यूट्यूब पर रेगुलरली वीडियो डाल नहीं पा रहा था। बट अब मैं डालूंगा भाई, अब लगे रहेंगे। बस बीच में थोड़ी टच वुड तबीयत वबीयत ख़राब नहीं हो, क्योंकि यार यहाँ पर कोई होता नहीं है ध्यान रखने वाला। बाकी आज बात करने वाले हैं भाई अपने, आप कैसे अपनी फीस निकालेंगे, कितना आपको काम करना पड़ेगा, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और कैसा मतलब सिनेरियो रहेगा आपका वीकली, और कितना आपको मंथली क्या कैसे मैनेज करना पड़ेगा, काम कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तसल्ली से बैठ के आपको बताते हैं, तो अभी अंदर चलते हैं घर के, फिर शांति से मैं आपको बताता हूँ कि क्या रहता है। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई चैनल पे जो भी अभी नया आया है, सबसे पहले जाके चैनल सब्सक्राइब करो ताकि आप मेरी नारायण फैमिली का एक पार्ट बन सको। अभी कोई भी टाइम वेस्ट मत करो, अभी जाके जब से एक मिनट लगना है आपका, एक सेकंड लगना है, जाके अभी पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो गाइस शुरू करते हैं आज जो मेन टॉपिक है, जो बहुत बच्चों का सवाल भी मेरे से रहता है, भाई कैसे एक्सपेंस मैनेज होते हैं, भैया कैसे मैनेज करते हो, या फिर इतनी फीस है, इतने कैसे निकलेंगे, क्या निकलेगा। तो भाई सबसे पहले आज मैं आपको बताता हूँ कंडीशंस क्या होगी। सबसे पहले आप सभी को पता होगा एज़ पर न्यू रूल्स, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के नए रूल्स आए हैं, उसमें स्टूडेंट वीज़ा पे आप TFN पे, ठीक है, TFN पे कितना काम कर सकते हो, पर फोर्थ नाइट 48 आवर्स। पर फोर्थ नाइट होता है 14 डेज, यानी कि 2 वीक्स, जिसमें चाहे आप एक वीक में 48 आवर्स कर लो या 2 वीक में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या जहाँ पे आप काम करते हो वो कैसे डिवाइड कर रहा है शिफ्ट है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप TFN पे, TFN होता है टैक्स फाइल नंबर, जिनको नहीं पता है, जैसे मोस्टली आप लोगों को पता ही होगा। तो अब इसमें हम कैसे फीस मैनेज करेंगे, कैसे रेंट मैनेज करेंगे, ट्रैवलिंग, फूड, ग्रॉसरी, है ना, सब कुछ कैसे मैनेज होगा, गाड़ी, तेल, है ना। तो भाई मैनेज अब आपको मैं बताता हूँ कैसे होगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं अपने 2 साल की 30,000 फीस है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने कोर्स चेंज कर लिया है, ठीक है, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, मैं मोनेश यूनिवर्सिटी में आया था, बट मेरी फीस बहुत हाई थी 73,000। सो वो यहाँ पे अफोर्ड करना इम्पॉसिबल है भाई, मैं पूरी जी जान लगा देता, सब कुछ दे देता, तब भी अफोर्ड नहीं कर पाता, और घर से पॉइंट बनता नहीं है मंगाने का यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि खुद को भी अच्छा नहीं लगता, डिग्निटी हिट होती है, और आप लेना भी नहीं चाहते हो यार अब्रॉड आके। पहले आप इतना इन्वेस्टमेंट करके आए हो तो आप ऑब्वियसली घर से नहीं लेना चाहोगे, आप खुद भी अपनी सेविंग्स करना चाहोगे और ऐसा लोगे। मैंने मास्टर्स टू मास्टर्स ही कोर्स चेंज किया है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। अब मेरी फीस है 30,000, ठीक है, 30,000, यानी कि पर ईयर मेरे को 15,000, और 6 मंथ्स के लगा लो तो 7,500, ठीक है, 7,500 6 महीने में निकालना कैसे पॉसिबल होगा, मतलब आप ऑलमोस्ट $1,200 आपको महीने के आपकी फ़ीस के लिए साइड रख के चलने हैं, ठीक है। $1,200 मतलब आप अगर आप $200 भी सेव करोगे हफ्ते में, 200 नहीं 300, तो आराम से आपके फीस का पार्ट हो जाएगा। तो $300 सेव करना इज़ नॉट अ बिग थिंग, आप क्या कर सकते हो वो फीस की। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से मेन बात शुरू होती है। जैसे आप कहीं पे काम कर रहे हो TFN पे, ठीक है, TFN पे आप अपने 24 आवर्स दो, और मेक श्योर करो कि जहाँ पे आप TFN पे काम कर रहे हो वहाँ की पे अच्छी है, क्योंकि आप जैसे 20-22 की पे पे TFN पे काम कर रहे हो, फिर टैक्स कट के डिडक्ट होके और कम, फिर बहुत कम पैसे बनते हैं, वो फिर उसमें थोड़ा दिक्कत होती है। तो पे का थोड़ा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि अब जुलाई इनटेक है, ये खुशखबरी आपके लिए कि जुलाई में काम बिजी होने वाले हैं, ठीक है, रोस्टर्स आ रहे हैं लोगों के, अब ये यहाँ से लोगों ने अब अपना कैलेंडर बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि क्रिसमस आते आते ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बिजी होने वाली हैं, और ये पीरियड ही होता है जुलाई, जुलाई से मतलब थोड़ा अब यहाँ से वाइब बनना शुरू होगी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्रिसमस तक ऐसे जाएगा बिजनेस बूम, फिर जनवरी में डाउन आ जाएगा, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया था इस साल ही। जैसे मैं नवंबर में आया था, नवंबर दिसंबर बूम था, जनवरी क्वाइट, फरवरी नॉर्मल था, मार्च नॉर्मल था, अप्रैल और मई तो बहुत क्वाइट, और जून भी बहुत क्वाइट, ठीक है। अब जुलाई से होपफुली सारी चीज़ें अब हल्के हल्के बदल रही हैं, क्योंकि अब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब आपको $300 आपकी फ़ीस के पर वीक निकालने हैं, ठीक है। वो आप कैसे निकाल सकते हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कैश। भाई सारे लड़के, खासकर लड़के,
ये ध्यान देना भाई, स्ट्रगल है यहाँ पे, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ना, स्ट्रगल है, बट आप मैनेज करोगे। कैसे मैनेज करोगे? ग्रॉसरी, ग्रॉसरी का पार्ट आप खरीदो और घर पे बनाओ, ठीक है। मेहनत लगेगी भाई, मगर पैसे बचेंगे, और दो साल तक जब तक यूनिवर्सिटी कर रहे हो भाई, वो पैसे बचाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर ना टेंशन आती है। जब पैसे नहीं होते या फिर शिफ्टें नहीं मिलती या फिर काम नहीं है, तो फिर वो सेविंग्स ही काम आती है। तो आपको सेव भी करना है, साथ साथ आपको इतनी सेविंग्स रखनी है, कल के दिन आपके पास एक महीने काम नहीं होना तो आप वो कर सकते हो, कि वो सेविंग्स वहाँ यूज़ कर सकते हो। तो सेविंग्स भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको वीकली एस्टिमेट करना पड़ेगा, जैसे आप वीकली कितना कमाओगे, आपको वीकली मिनिमम $1,000 पे जाना पड़ेगा। अब लुकआउट क्या है, ठीक है, मैं ओपनली बोलता हूँ, लुकआउट ये है कि आपको कैश में जॉब्स देखनी पड़ेगी। TFN पे आप काम कर नहीं सकते, तो आपको कैश पे करनी पड़ेगी। कैश पे रेट कम होता है, सो यू हैव टू वर्क हार्ड। जहाँ आपको अच्छे पे पे 5 घंटे लगाने पड़ेंगे, वहाँ कैश पे आपको 7 घंटे भी लगाने पड़ेंगे। तो कितनी मेहनत है, सोचो आपको यूनिवर्सिटी जाना है वीक में 2-3 दिन, फिर 4 दिन आपको काम करना है भाई, आप बैठ नहीं सकते। आप ये सोच रहे हो ऑस्ट्रेलिया या घूम ले, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डाल दे, लोगों को दिखाएं, शो ऑफ करें, वो शो ऑफ की दुनिया आपको बिल्कुल भूल जानी है, जब तक आप एक पर्टिकुलर कोर्स में इनरोल हो और आप पर्टिकुलर टारगेट से आए हो। नहीं तो कोई नहीं, फिर तो चीज़ें होती रहेंगी। अगर मौज मस्ती कर रहे हो, फिर वो कर रहे हो, फिर कोई नहीं, घर से फिर आपको सपोर्ट लेनी पड़ेगी, वो आपके ऊपर है कि एज ए इंडिविजुअल आप क्या सोचते हो। बट मेरे हिसाब से एज ए इंडिविजुअल आपको 2 साल तो यहाँ पे रगड़ना पड़ेगा भाई। एज अ स्टूडेंट अगर आपकी फ़ीस 30 से ऊपर है, तो आप एस्टिमेट लगा लो आपको पर वीक, अगर यहीं आप 40 कर दो पर वीक, 450 सेव करने आपको फ़ीस के लिए, थोड़ा और एस्टिमेट ऊपर कर दो, फीस बढ़ा दो 2 साल की, तो आपको वहीं पे 500 सेव करने है ना। तो भाई 500 तक मैं मानता हूँ आप वीक के, मतलब 2000 बहुत होता है भाई, एक महीने का 2000, मतलब 1 लाख यूनिवर्सिटी को देना, वो बहुत ज़्यादा वाली फ़ीस होगी। तो 500 भी आप सेव कर सकते हो, मगर उसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। आपको घर पे बैठना नहीं, 6 घंटे की नींद लेनी है, मतलब आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी बन जाना है भाई, 4-5 घंटे सोना है, काम करना है। तो फिर यही आपका वीकली रोस्टर रहेगा, मतलब आप मेरे हिसाब से 7 दिन होते हैं वीक में, 2-3 दिन यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी आपको कितने दिन बना रहे, ठीक है, फिर 2-3 दिन काम, 1 दिन रेस्ट, वो भी रेस्ट आप पूरे दिन नहीं कर सकते, जैसे रात को आए तो सुबह वाली शिफ्ट से रेस्ट ले लिए, शाम को शिफ्ट जानी पड़ेगी, फिर अगले दिन से वही फ्लो, और ये फ्लो आपको कंटिन्यूस रखना पड़ेगा जब तक आपकी पढ़ाई ख़त्म नहीं होती। सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट यार, बहुत बढ़िया से अच्छे माइंडसेट से आओ, मेहनत करो, चीज़ें होती हैं यार, अब ऊपर भी जाओगे नीचे भी गिरोगे, ऐसा नहीं है मैं डाउन फील नहीं करता भाई, मैं भी बहुत दिन डाउन फील करता हूँ, बहुत चीज़ होती है, बट ये लाइफ है यार। अब ये इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ कि यार लाइफ है तो मुश्किलें तो होंगी, ठीक है, मुश्किलों में आपको बस ये है कि मुश्किलों में आपको कैसे रहना, ये चैलेंज है। यहाँ पे आप सीख गए ना, तो वो मुश्किल में रहना जो सीख गया, वो लाइफ को जीना सीख जाता है मेरे हिसाब से। मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, पापा से बात कर लेता हूँ, मम्मी से बात कर लेता हूँ जब भी डाउन फील होता है ना, क्योंकि यार मैं मानता हूँ फैमिली से बड़ा सपोर्टर कोई नहीं, और फैमिली से अच्छा गाइड आपको कोई नहीं कर सकता। तो फैमिली से बात करो जब भी डाउन हो, अपने आप को ज़्यादा अकेले मत रखना, और यहाँ पे आके अगर आप नए आते हो तो प्लीज़ घर पे मत रहो, बाहर एक्सप्लोर करने जाओ, जब तक काम नहीं मिलता चीज़ें एक्सप्लोर करते रहो, देखते रहो, बाहर आए हो, ऑस्ट्रेलिया आए हो भाई, घूमो फिरो, मगर डाउन फील नहीं करना। मेरे को काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं भाई डिप्रेशन में जा रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, भाई डिप्रेशन में तभी जाओगे जब घर पे खाली बैठे रहोगे, बाहर निकल जाओ भाई, बाहर जब भी खाली हो। मैं एज ए इंडिविजुअल मैं बाहर निकल जाता था, व्लॉगिंग करना शुरू कर दो भाई, जो मन कर रहा है करो, बिंदास रहो, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ फिर मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, टिल देन हरे कृष्णा, लव यू ऑल गाइज़।